हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो एनटीए ने अपनी औकात दिखा दी है गलत आंसर की देके। भाई सारी आंसर की गलत है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस को मतलब कि आंसर की इसको देखे तो पूरी पूरी आंसर की गलत है। तो इसको बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हाँ ये आंसर की सही है और ये मार्क्स आए हैं हमारे और तुम परेशान हो रहे हो। इस चीज़ को लेके परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट आंसर की नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन होंगे, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको डाउट है वो अपना चैलेंज कर सकते हैं। 8 जुलाई तक कल डेट है, कल तक डेट है, 8 जुलाई तक चैलेंज कर सकते हैं। और आप सब भी जिसको डाउट है और जिसको ये लगता है ना 200% कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन गलत नहीं है और ये एनटीए ने गलत दे रखा है, गलत आंसर दे रखा है इसका, तो तुम भी चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपये फीस है चैलेंज करने के लिए, चैलेंज करने के लिए नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तुम्हारा सही भी हुआ तो रिफंड नहीं हो पाएगी, पर तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स। अगर तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन में डाउट है और तुम्हें ये लगता है कि 100% कि हाँ ये क्वेश्चन सही है और एनटीए ने गलत दे रखा है, तो भाई तुम इस पे चैलेंज कर सकते हो और तुम्हारे 25-30 मार्क्स इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस आंसर की को बिल्कुल भी लास्ट मत मानना कि हाँ ये हमारे मार्क्स हैं। परेशान बिल्कुल ही मत हो, क्योंकि ये एनटीए ने बिल्कुल गलत, बहुत ख़राब आंसर किया ही है, ठीक है। बहुत गलत आंसर दे रखे हैं उसमें, तो बहुत बच्चे परेशान हो रखे हैं और बच्चे बार बार मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं दीदी हमारे इतने मार्क्स हैं, कहाँ हमें कॉलेज मिलेगा ये वो। तो भाई अभी थोड़ा थम जाओ, मैं प्रेफरेंस लिस्ट और वो सब बना रही हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो बच्चे देख रहे हैं कि जिसमें डी लिखा है, किसी में ड्रॉप लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में किसी में ड्रॉप लिखा हुआ है, किसी में डी लिखा हुआ है, तो ड्रॉप का मीन्स है कि एनटीए ने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, उसमें से मतलब कि उन ऑप्शंस में से कोई भी आंसर नहीं है उसका, तो वो ड्रॉप कर दिया। और वो जिस बच्चे ने आंसर किया है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आंसर किया है ए बी सी डी में से, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप कर दिया। और जो जिसमें डी लिखा हुआ है मतलब उस आंसर के मल्टीपल आंसर्स हैं, तो इसका मतलब ये है। और जिसको चैलेंज करना है, जिसको ये है ना श्योर है वो 100% 200% कि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं है सही है, तो वो चैलेंज कर सकता है। कल तक की डेट है इसमें, 8 जुलाई तक की, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो तो डाउट हो जो भी हो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अपडेट देती रहूँगी। तो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।